बेटी के घर, और हमारे साथ है पूर्वी, भावना भाभी और नीलिमा। ये तीन लोगों का यहाँ टीम है जिन्होंने किचन गार्डनिंग का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डेवलप किया है, तो वो कंसेप्ट भी हम देखेंगे और उसके साथ ये भी देखेंगे कि अमृत जल कैसे बनाया जाता है, उनका वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट भी हम देखेंगे और मैजिक सॉइल जो है उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से वो कंसेप्ट क्या है वो समझ लेंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले वो है किचन गार्डन के बारे में, तो एक्चुअली किचन गार्डन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। किचन गार्डन का मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे घर में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने हैं, हमें ये समझना है कि हम क्या मैक्सिमम यूज़ करते हैं, हमारे पास कितनी जगह अवेलेबल है और उसमें हमें वो सारी चीज़ें लगा जिसको हम 12 महीना यूज़ कर सकें होल द ईयर। जैसे अगर मैं स्ट्रॉबेरीज भी उगाना चाहूँ तो मैं उगा सकती हूँ, हमारे घर भी उगती, ऐसे नहीं, पर आपके पास कितने पॉट्स होते हैं, 4-5-6। अगर आप सब में 6 पॉट्स में अगर स्ट्रॉबेरीज उगाओगे एक सीज़न में, वो आता है विंटर में 3 महीना, तो आपको कितना सिर्फ एक सीज़न के लिए मिलेगा। पर उसी की जगह पे अगर मैं 6 पॉट में से एक में करी पत्ता, एक में मिंट, एक में ऑल स्पाइस, ऐसे डिफरेंट हर्ब्स और प्लांट्स लगाऊँ तो 12 महीना में उसको यूज़ कर सकती हूँ कम मेंटेनेंस में, मुझे वैरायटीज ऑफ हर्ब्स एंड वो सब मिलेगा, तो वो एक्चुअली किचन गार्डन। कम जगह है, जैसे मुंबई जैसे सिटी में पहले तो सबको टेरेस फार्मिंग अलाउड नहीं होता है, बहुत सारी बिल्डिंग में तो टेरेस यूज़ करने ही नहीं देते, फिर सबके पास बालकनी नहीं है, तो हमारे पास भी जैसे आप देख रहे हो कि बालकनी नहीं है, सिर्फ विंडो ग्रिल है, तो ग्रिल पे भी हम बहुत कुछ कर सकते। तो ज़्यादातर मैंने यहाँ पे हर्ब्स और जो पेरिनियल प्लांट्स है वो लगाए हैं जिसको मैं बहुत कम मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ, और मैंने मेरी अकॉर्डिंग टू माय सनलाइट मेरी जगह जो है उसके हिसाब से लेयर्स वाइज करके, क्योंकि वर्टिकल करना बहुत ज़रूरी है कम स्पेस को मैक्सिमम यूज़ करने के लिए, वैसे हम लोगों ने किया। तो हमारे पास अभी यहाँ पे जो प्लांट्स है उसमें हम लोगों ने करी पत्ता है, ऑल स्पाइस है, बे लीफ है, तेज पत्ता, लेमन प्लांट है जो कि आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ईयर फ्रूट्स देते हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं जैसे ऑरिगानो है, बेसिल है, लेमन बाम है, मल्टी विटामिन जैसे प्लांट्स हैं हमारे पास। देन जो जगह बचती है तो हम लोगों ने थोड़े मेडिसिनल प्लांट्स भी रखे हैं जिसमें मेरे पास ब्राह्मी है, अकलकरा है, अर्डूसी है, पिपरमिंट है, लिंडी पीपर है, तो हम तुलसी है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, कपूर तुलसी, सिनेमन तुलसी, इंडियन बेजिल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स लगाए हुए, तो जिसको मैं मैक्सिमम मोस्टली मैं कह सकती हूँ कि एवरी डे आई कैन यूज़ दैम। जैसे हमारी हर्बल टी बनती है रोज़, तो सारे प्लांट्स जो भी एडिबल उसके सारे पत्ते उसमें जाते हैं। लेमन ग्रास है हमारे पास चाय पत्ती जो कि बहुत आराम से उग जाती है किसी भी कंटेनर में और बहुत जल्दी बढ़ती है। अच्छा, हमें किचन गार्डन करना क्यों है? तो पहले तो एक ये कि हाँ, हम कितना भी करेंगे हमें 99% मार्केट पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा, फिर भी हमें किचन गार्डन करना है। तो पहली बात कि आजकल जो ऑर्गेनिक के नाम पे सब हम सबको पता है कि ऑर्गेनिक चाहिए हमें, तो मार्केट में ऑर्गेनिक चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है, फिर अगर जो अवेलेबल है उसके सोर्सेज हमें पता नहीं है तो हम उस पर रिलायबल नहीं रह सकते कि एक्चुअली ये ऑर्गेनिक है कि नहीं, किस तरह से हमारे पास आ रहा है। और द थर्ड थिंग इज की फ्रेशनेस जो होती है, क्योंकि मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से मिंट या कोई भी भाजी आती है तो आप देखो, एक तो वो 2 दिन पहले हार्वेस्ट की होती है, हमारे पास जब आती है वो ऑलरेडी 3 या 4 दिन हो जाते हैं, फिर वो जिस तरह से गुनी बैग में लाई जाती है एक के ऊपर एक करके, तो हम लोग वही सोचे कि अगर किसी को हमें कोई ऐसे लेके जाएगा तो जब हम डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे हमारी हालत क्या होगी, कोई एनर्जी ही नहीं रहेगी हमें। वैसे ही वो सारी चीज़ें जब तक हमारे पास आती है उसमें कुछ रहता नहीं है, तो जब हम घर पे ग्रो करते भले ही वो थोड़ा सा ही हो लेकिन उसके अंदर पावर बहुत है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हमें अगर 3 टाइम खाना खाने के बाद भी लूज मोशन हो जाता है तो हम इतनी छोटी सी पिल लेते हैं, और वो इतनी छोटी सी दवाई भी वो खाना खाने के बाद जो हमें लूज मोशन हुआ था उसको ठीक कर देते हैं। वैसे ही कितना भी बाहर का जो हम फूड ले रहे हैं उसको ये दवाई के जैसे काम करेगा, ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि हम भले थोड़ा सा ही कंज्यूम कर
अगर इसको घर पे उगाया हुआ जो फ्रेश है जो ऑर्गेनिक है तो उसमें इतना ज्यादा पावर है कि वो उसकी इम्पैक्ट को धीरे 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 कम कर देगा। और जैसे जैसे हम ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका पावर और बढ़ता है और इसकी इफेक्ट एक्चुअली हमें हमारे माइंड बॉडी और पूरे घर के एटमोसफियर में दिखती है। तो ये तो हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है कि इससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं हमारी लाइफ में। तो मैंने यहाँ पे जो मेरी विंडो है उसमें जैसे मेरे पास जगह कम है तो मैंने इसको वर्टिकल बनाया है पर मैंने इसको 3 लेयर्स में बनाया है। तो नीचे जो मेरे प्लांट्स हैं वो सारे ऐसे जो हाइट में बढ़ते हैं जैसे लेमन ग्रास है, करी पत्ता और स्पाइस बेलीफ लेमन ऐसे प्लांट्स जो थोड़े हार्ड ही है तो मैंने नीचे रखे हैं। फिर मैंने सेंटर में कुछ हर्ब्स और ऐसे प्लांट्स रखे हैं जैसे ओरिगानो है, तुलसी है, बेजिल है जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है जो कि एरोमेटिक प्लांट्स बोल सकते हैं उसको। और वो मेरी वो सारे बहुत मिनिमम हाइट्स में होते हैं, बहुत हाइट ज़्यादा नहीं होती है तो सनलाइट को भी वो लोग कवर नहीं करते, बहुत अच्छे से सनलाइट पास होती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। सेकेंड मैंने जो थर्ड ऊपर लेयर किया है उसमें मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स रखे जो हैंगिंग है पर मैंने सारी क्रीपर्स मोस्टली वो सारे एरिया में लगाए। जनरली हम लोग क्या करते हैं क्रीपर्स को नीचे डालते हैं फिर वो ऊपर चढ़ती है पर उसमें क्या होता है कि क्रीपर्स जब ऊपर जाती है तो पत्ते सिर्फ ऊपर के एरिया में होते हैं और नीचे आपको सिर्फ स्टेम दिखता है जो लुक में अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये मेरे लिविंग एरिया का हिस्सा है। अगर मैंने क्रीपर ऊपर लगाई तो वो पूरा ऊपर का एरिया ही कवर करेगी तो ऊपर एक छज्जे जैसा बहुत अच्छे से हो जाएगा। या फिर आपकी क्रीपर थोड़ी नीचे भी आ रही है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं और उसमें जब फ्रूट्स आते हैं पेशन फ्रूट की है तो ये बहुत खूबसूरत भी लगता है और वो आपका पूरा एरिया ऐसे ग्रे को कवर नहीं कर देता।